अंदर वह प्रेरणा मौजूद है। इस तरह से पवित्र आत्मा ने ईश्वर ने सबको उसी प्रेरणा का सहभागी बनाया है, उसी प्रेरणा का प्रतिभागिनी आप सबको बना दिया है। यू हैव बीन कॉल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सेम कैरिज्म। उसी में आपका संपूर्ण जीवन है, उसी में आपकी आध्यात्मिक प्रगति है, उसी में आपकी आत्मिक परिपूर्ति है, उसी प्रेरणा से आप पूर्णता तक पहुंच सकती है। सारी आवश्यकताएं पूरी कर या प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा।
आदिवासी समाज की एक पवित्र धरोहर है। इस संस्कृति एवं रीति रस्म में एक महान रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि हमारी संस्कृति के साथ पुरखों की आत्मा जुड़ी हुई है, अतः आवश्यक जान पड़ता है। जैसे भारत को गांव का देश कहा जाता है, उसी भांति आदिवासी समाज को गांव का समुदाय कहा जाता है। पर्व त्योहारों की बात ही नहीं, जहां गांव वहां अखाड़ा बरकरार है। इन छोटे बड़े रीति रिवाजों में सबसे महत्वपूर्ण रिवाज है पुरखों की आत्मा का छाया बितारना, गमी और पत्थरगाड़ी आदि। संत अन्ना धर्म संघ भी इन्हीं परिवारों का सर्वप्रथम संत अन्ना हमारे धर्म संघ की संरक्षिका के चलो तले पुष्प अर्पित करने के लिए आदर आमंत्रित करती हूँ। स्थल पर रीत अर्पित करने के लिए हमारे धर्म संघ की परमाधिकारिणी संगी को आमंत्रित करती हूँ। मैं श्रद्धे फादर अंजनी और जयंती विकास चंद्र को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं माता वेरोनिका के समाधि स्थल पर परिकल्पित करने के लिए परमाधि कारिणी की प्रथम सलाहकारिणी सिस्टर शोषण बाड़ा को आमंत्रित करते हैं। परमाधि कारिणी के सभी सलाहकारिणी भाइयों, श्रद्धेय सिस्टर मोनिका कुजो, श्रद्धेय सिस्टर जसविंता, श्रद्धेय सिस्टर मेरी पुष्पा के नाम पर मैं सिस्टर सोनिका मोटू एमपी प्रोविंस का प्रतिनिधित्व करते हुए सिस्टर गब्रीला कुर्की जो दुमा प्रोविंस का प्रतिनिधित्व करते हुए सिस्टर मेरी जसविंता कुजूर रांची प्रोविंस से सिस्टर मेरी डोपो जलपाइगुड़ी प्रोविंस का प्रतिनिधित्व करते हुए सिस्टर शांतिका खलसू को सादर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही जूनियर बहनों का प्रतिनिधित्व करते हुए सिस्टर नीलमणि कुजू प्राची बहन सिस्टर देवकिरण अभ्यर्थी सृष्टि कृतिकता छात्रावास की शालिनी दिक्की को भी पुष्प अर्पित करने के लिए साहिर्य आमंत्रित करती हूँ।